हर हर महादेव किसान बंधुओं मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के पाल खेती बारी में किसान भाइयों पिछली वीडियो में हमने जंगली जानवरों नील गाय सुअर आवारा पशुओं से अपने फसलों को बर्बाद होने से कैसे बचाएं इस विषय में वीडियो बनाई है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंदरों से बंदरों से अपने फसलों को जैसे आपके आलू टमाटर गेहूँ मटर तमाम फसलों को बंदरों से नुकसान होने से बर्बाद होने से कैसे बचाएँ किसान भाइयों जैसा कि आपने भी YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि इस घोल का उपयोग करिए इस घरेलू घोल का उपयोग करिए इस रासायनिक दवा का उपयोग करिए तमाम तरह की बातें बताई गई उपाय बताए गए, गए हैं लेकिन आपको मैं बता दूं किसान भाइयों ये सब बिल्कुल बकवास है ऐसा कोई भी कारगर उपाय नहीं है हाँ जंगली जानवरों पर तो लागू होता है नीलगा वगैरह से तो आप ये सब घोलों का उपयोग करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं लेकिन किसान भाइयों कि जो बंदर होते हैं इन पर एक भी ये उपाय लागू नहीं होता है क्योंकि हमने भी इसको अपनाया लेकिन और किसानों से भी जाना है उनका कहना है कि ये ये सब घोल और आसानी दवा बंदरों पे कोई लागू नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंदरों से अपने फसलों को बर्बाद होने से कैसे बजाय इनके लिए जो मैं उपाय बताऊंगा किसान भाइयों उस अपना कर उस उपाय को अपना कर आप निश्चित ही बंदरों से अपने फसलों को बचा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो क्या उपाय है जो कि बंदरों से अपने फसलों को बर्बाद होने से बचा सकें तो वीडियो को बिना भगाए आखिरी तक बने रहें किसान भाइयों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बंदर जो होते हैं वो उनके जो उनके हरकत होते हैं वो इंसानी हरकत होते हैं वो आप किसी भी दवा और किसी भी रासायनिक दवा का अगर छिड़काव भी करते हैं तो वो अपने फसलों को हमारे फसलों को हाथ से हाथ से उसको निकाल निकाल के खा लेते हैं आपका चाहे कोई भी फसल हो टमाटर मिर्चा गेहूँ कई कोई भी फसल हो ये आते हैं और तोड़ तोड़ के जैसे इंसान की तरह हरकत करके जैसे इंसान एक्टिविटी करता है उस हिसाब से ये आते हैं और उसको नुकसान करते हैं और ये झुंड में चलते हैं और शरारती भी होते हैं बहुत ज़्यादा आपको तो पता ही है तो ये हमारी फसलों को उखाड़ भी देते हैं तो इनसे बचाव के लिए किसान भाइयों ऐसा ना कोई घोल है और ना ही ऐसा कोई रासायनिक दवा है जो कि जिसका छिड़काव करके हम इनसे उपाय कर सकें क्योंकि ये आपको तो पता ही है इंसानी हरकत ये उसको निकालेंगे उसको पोछ उछ के जैसे इंसान करते हैं वैसे खाते हैं तो इसके लिए आपको किसान भाइयों आपको मेहनत करनी होगी आपको लगातार दो तीन चार दिन मेहनत करनी होगी इन्हें अपने खेतों से भगाना होगा तभी जाकर इनसे आप उपा इस इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए किसान भाइयों आपको करना क्या होगा कि जैसे आप गुलेल जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये गुलेल हो गया इसमें छोटे छोटे पत्थर लेके इसको इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं बंदर जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे अगर आप दो तीन दिन इनका उपयोग करके आप उनको भगाएंगे तो आपका खेत छोड़ देंगे और चले जाएंगे आपको लेकिन इसके लिए आपको दो तीन दिन मेहनत करना होगा और इसके अलावा किसान भाइयों अगर बात करूँ दूसरे उपाय की तो आपको करना क्या होगा कि जैसे कोई लकड़ी लेना है डंडा जैसे कि मान लीजिए यही डंडा हो गया इसमें किसान भाइयों आपको करना क्या है इसमें कपड़ा बांधना है कपड़ा बांध के इसमें आग लगाना है आग लगा के उनको दिखाना है क्योंकि बंदर जो होते हैं वो आग से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं आग से आग को देखते ही दूर से ही भागते हैं तो इन सब उपायों को किसान भाइयों आपको कम से कम तीन चार दिन एक हफ्ते तक लगातार आपको मेहनत करनी होगी अब मेहनत करके इन सब उपायों उपाय को अपना कर आप बंदरों को भगा सकते हैं इसके अलावा ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कि इन पर असर करें तो किसान भाइयों फालतू की रासायनिक दवाएं या किसी घोल के चक्कर में ना पड़ें आप स्वयं मेहनत करें और तीन चार दिन मेहनत करके इनको भगाएं तभी जाकर आप बंदरों से छुटकारा पा सकते हैं अपने फसलों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं उनके आतंक से बच सकते हैं किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि अन्य किसान भी इस जानकारी के बारे में जान सकें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटे लगे घंटे वाले बटन को दबाकर आज भी कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो मिलती रहे इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हर हर महादेव